शरणे तमके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजर जय किराए का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों जैसा कि मैंने आपको अपने तमाम वीडियो में चर्चा किया हूँ कि समय अनुसार एक निश्चित अवधि पर सारे ग्रह विभिन्न राशियों में भ्रमण करते रहते हैं, जिनको हम गोचर भ्रमण करते हैं। तो गोचर भ्रमण के हिसाब से मनुष्य के जीवन में जो घटना घटित होने वाली होती हैं वह गोचर से निर्धारित होता है कि किस दिन को कब घटना क्या घटने वाली होती है। तो इनका जो प्रभाव होता है विभिन्न ग्रहों के राशियों के परिवर्तन से होता है। तो एक निश्चित समय अवधि में हर ग्रह अपनी राशि परिवर्तित करता है। जैसे कि अब आज मैं बताऊंगा आपको कि सूर्य भगवान अभी जो कर्क राशि में चल रहे हैं तो उनकी सिंह राशि में प्रवेश होने वाला है। सिंह संक्रांति होगी, तो इसी विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ किन राशियों को मेष से लेकर मीन तक पर्यंत जो है किन राशियों को क्या फल मिलने वाला है इस एक महीने में। साथियों सूर्य भगवान 14 से लेकर 17 तक, 14 किसी भी महीने की, जैसे कि 14 अप्रैल को, जैसे 14 मकर संक्रांति होती है, लगे तो आपने सुने होंगे आप 14 अप्रैल को खिचड़ी होती है, मकर संक्रांति होती है। तो इस तरह से 14, 15, 16, 17 में चाल के हिसाब से, क्योंकि सब ग्रहों की चाल कभी धीमी कभी तेज होती रहती है, तो उसी तरह से 14 से लेकर 17 तक बीच में उनकी संक्रांति होती रहती है। तो इसमें जो सूर्य की संक्रांति मेष सिंह राशि को होने वाली है उसके फल में आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती है, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों आते हैं मूल विषय पर, सूर्य की सिंह संक्रांति। तो भगवान सूर्य जो है 17 अगस्त 2023 को 1:32 मध्यान्ह में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिनको हम कहेंगे सिंह संक्रांति और हिंदी महीने में भाद्रपद संक्रांति। तो साथियों सूर्य चूंकि ग्रहों के राजा हैं और प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए इनका प्रभाव तो पड़ता ही है, दोनों सारे ग्रहों को पड़ता है, लेकिन ये तो एक ग्रहों के राजा है, तो ये क्रूर ग्रह हैं, जिनको देते हैं खूब बढ़िया देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं कि जिनको परेशान कर दें उनको परेशान भी करते हैं। तो उनका उपाय क्या किया जाए, परेशानी को इसे दूर किया जाए, ये बताने जा रहा हूँ आपको। तो मेष राशि, सर्वप्रथम मेष राशि, तो मेष राशि को जातक होंगे उनके लिए मानसिक कष्ट भ्रम, मतलब आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, धन हानि हो सकती है, स्वयं और संतान को रोग हो सकता है, यात्रा में कष्ट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो साथियों इसके लिए क्या करना चाहिए आपको कि जैसे अगर मानसिक शांति हो रही है, मानसिक अशांति है, तो ओम सोम सोमायना का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, तो इससे मानसिक शांति उत्पन्न होती है। अन्य कोई कारण हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि सूर्य भगवान को अर्घ दें, ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को अर्घ देंगे तो सूर्य भगवान की परेशानियों से आप दूर होने लगेंगे, उनकी कृपा प्राप्त होने लगेगी। अब आते हैं साथियों वृष राशि पर। तो जमीन जायदाद में समस्या हो सकती है और यात्रा में असुविधा हो सकती है, वैवाहिक सुख में बाधा हो सकती है, मान हानि हो सकती है, और इसमें साथ ही क्या करना चाहिए आपको जो है कि इसमें जमीन जायदाद में परेशानी हो रही है तो आप मंगल ग्रह का उपाय करें, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी जो होता है ये जमीन जायदाद से देखा जाता है और आपके राशि से वो सूर्य भगवान चतुर्थ से जा रहे हैं, तो चतुर्थ से जिस भाव में जाते हैं जिसकी दृष्टि होती है उसी को शुभ अशुभ फल देते हैं। तो इसमें यदि आप जमीन जायदाद में कोई परेशानी होती है, हनुमान जी की उपासना करें, बजरंग बाण का पाठ करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें। यदि यात्रा इस बात असुविधा हो रही है तो आप इनमें आप सूर्य की उपासना कर सकते हो, ओम घृणी सूर्य नमः का पाठ कर लें तो इससे भी आपको आसानी मिलने लगेगी। अब आएंगे साथियों मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशियों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार समय होने वाला है, प्रोन्नति और पदोन्नति का समय उपस्थित हो रहा है,
धन प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है और समाज कुछ प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं उनसे आपके मेल मिलाप होगा और उनके सहयोग से कोई बिगड़े काम आपको बन सकते हैं और पुत्रों मित्रों से भी सब जगह से आपको सुख सुविधा संपन्नता प्राप्त होगी। आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा, चाहे वो खुशी का वातावरण आपके लिए रहेगा। तो साथियों आएंगे कर्क राशि पर, तो कर्क राशि के लिए साथियों सिर और आँखों में कष्ट हो सकता है, उनके जो है व्यापार में घाटा हो सकता है, संबंधियों मित्रों से विवाद हो सकता है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया साथियों कि जैसी दवाई जैसे रोग वैसी दवाई, तो जैसा परेशानी हो उसी हिसाब से आपको उपाय करनी चाहिए। जैसे इसके लिए सूर्य की उपासना करें, क्योंकि सूर्य भगवान की कुदृष्टि से इनकी स्थिति से ही आपकी आँखों में रोग हो रहा है और व्यापार में घाटा इत्यादि हो रहा है, सिर में कष्ट हो रहा है। तो यदि सिर बीमारी इत्यादि कोई हो रही है तो आपको क्या चाहिए कि आप तांबे के लोटे में लाल फूल लाल चंदन ले करके और सूर्य भगवान को अर्घ दें। उगते सूर्य को अर्घ देने से विशेष लाभ होता है, लेकिन अर्घ देने के लिए थोड़ा सा ध्यान सावधानी रखनी चाहिए कि मैंने देखा बहुत लोग गलत तरीके से अर्घ देते हैं, ऐसे सर से उठाया लोटा और ऐसे ज़मीन में गिरा दिया। साथियों ये स्थिति ठीक नहीं होती है। अर्घ देने के लिए आपको चाहिए कि आप किसी आसन पर खड़े हों जो विद्युत का कुचालक हो, जैसे वो चटाई होनी चाहिए आपको, ऊन की चटाई हो अथवा कुश की चटाई हो, उस पर आप खड़े हों और आपके सामने किसी जो बर्तन हो, जो तांबे का बर्तन हो, फूल का बर्तन हो, जिसको हम लोग हमारे फूल का जो सफ़ेद लिया, जिसको सफ़ेदी लिया रहता फूल उसको कहते हैं हम लोग जो है, जो पुराने समय में चलता था, ऐसे बर्तन में या अथवा तांबे की थाली में जिसमें बार बनी हुई हो उसमें थोड़ा सा पानी लेकर के और जल उनको 3 बार अर्घ दीजिए, ओम भृणी सूर्याय नमः कहते हुए अर्घ दीजिए, तो उसमें आपको विशेष उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो साथियों ये तो हमने बताया आपको कर्क राशि वालों के लिए। अब सिंह राशि के लिए जिस पर सूर्य भगवान की स्वयं भी आए हैं, तो अपनी राशि लोगों को क्या धन दे रहे हैं, क्या कष्ट दे रहे हैं, हृदय में रोग हो सकता है, पेट में रोग हो सकता है, नेत्र रोग हो सकता है, बिना उद्देश्य बिना किसी टारगेट के आप भ्रमण करेंगे, आपका कोई काम सिद्ध नहीं होगा लेकिन चलते फिरते रहेंगे आप जो है, और जो भी कार्य होगा वो विलम्ब से होगा। तो जैसे अपने पिछले राशि के लिए बताया था कि जैसे रोग वैसी दवाई, सबसे आसान उपाय भी हो सकती है जैसे कि आप सुबह उठें और कोशिश करें कि सूर्य भगवान के मुझे दर्शन हो जाए उगते सूर्य के। तो साथियों जो सूरज तांबे का रंग उगते सूरज होता है वो विशेष प्रभावशाली होता है, उसकी आराधना करने से विशेष लाभ होता है। तो ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुषणे नमः, हिरणगर्भाय नमः, मरीचिने आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, सवित्ते नमः, भास्कराय नमो नमः। ये 12 नाम जो है सूर्य भगवान के, इनको आप जपें तो उनसे आपको विशेष उनको कृपा प्राप्त होगी। अब साथियों आएंगे आपको कन्या राशि पर, तो कन्या राशि के जो जातक हैं इनके लिए क्या मिलने वाला है, खर्च अधिक होगा और बुखार हो सकता है, पेट के रोग हो सकते हैं, लीवर में दिक्कत हो सकती है, आँखों में कष्ट हो सकता है, आपका अपमान हो सकता है और अनवांटेड कार्यों में खर्च आपको हो सकता है जिसको आप अवॉइड कर सकते थे। तो ये सब परेशानियाँ होंगी जो है, और किसी गवर्नमेंट ऑफिस से जो कि जो आपके जिससे आपको काम पड़ता होगा उससे भी आपको कुछ विरोध हो सकता है। तो साथियों इसके लिए क्या करना चाहिए आपको जो है, आप बुध का उपाय कर लें। बुध के लिए आप जगह बच्चे हैं स्टूडेंट लाइफ में हैं तो गमलों की सिंचाई करिए, गमलों में पानी दीजिए, पौधों की सिंचाई करिए, एडल्ट में हैं गाय को चारा खिलाइए। बुध जनित जो चीज़ें होती हैं इनको प्रयोग करने से बुध मजबूत होगा, आपकी राशि मजबूत होगी तो दुष्प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे। अब साथियों आएंगे आपको तुला राशि पर, इनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है।
आमदनी के अनेक साधन उपस्थित होने वाले हैं, मतलब एक ही तरीके से नहीं आएगा, कई तरीके से आमदनी हो सकती है, कई रास्ते हो सकते हैं, पदोन्नत हो सकती है और पिता से धन लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य अगर खराब था पहले से था तो उसमें सुधार हो सकता है और राजकीय कृपा प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बनेंगे। यह आपके लिए तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब साथियों वृश्चिक राशि के भी बहुत मजे आने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि का होने वाला है, धन प्राप्ति होगी, पदोन्नति हो सकती है। पदोन्नति में साथियों यदि आप कोई विभागीय परीक्षा में बैठे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपका सीनियरिटी लिस्ट में है तो आपको प्रमोशन हो सकता है। तो इसमें प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने वाली है। तो वृश्चिक और इनके फिर बहुत अच्छे फल मिले। अब आएंगे धनुराशि पर। तो धनुराशियों के लिए साथियों कुछ झूठे आरोप लग सकते हैं, कुछ समय ठीक नहीं रह सकता है, असफलता हो सकती है, किसी काम में आय में कमी हो सकती है, खर्च ज़्यादा होगा, मित्रों भाइयों से विरोध हो सकता है। तो साथियों आपको क्या चाहिए कि आप गुरु उपासना करें, बृहस्पति देव की उपासना करें, राशि को मजबूत करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः का आपको जप करना चाहिए। किसी वृद्ध ब्राह्मण को पीले वस्त्र है, पीले मिठाई है, चने की दाल है, इन चीज़ों का विधान करने से थोड़ा सा आपको सहायता मिलेगी और सफलता मिलेगी उन्हें। तो साथियों इसके बाद आइएगा आपको मकर राशि पर। तो मकर राशि के स्वामी साहब शनि होते हैं। आप जानते हैं कि शनि में ये 7:30 भी चल रही है मकर राशि पर। तो इसमें साथियों आपके जो पिछले जन्म में कुछ पिछले समय में कुछ आपने कुछ अपराध किए होंगे, कुछ गलत काम किए होंगे, तो शनि ये अपराध भुगताने का समय आ गया। मतलब शनि देव चूंकि दंडाधिकारी हैं तो अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं, तो कुछ मकर राशि वालों कुछ उनकी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, शत्रु पीड़ा हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, मुकदमा हो सकती है, राजभय होगा, स्त्री को भी कष्ट हो सकता है और बुखार हो सकता है। तो आपको चाहिए कि शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो तमाम हमने अपने तमाम वीडियो में और उपाय बताए हैं उन उपायों का आप सहारा लेकर के शनि भगवान खुश कर सकते हैं। ज़्यादा न करके मैं इतने बताऊँ कि आप शनि चालीसा का पाठ कर लें और भी तमाम हमने बहुत बहुत छोटे छोटे उपाय आपको वीडियो बता रखे हैं। शनिवार के दिन नाखून न काटें, बाल न कटवाएं, शनिवार के दिन तेल की मालिश करें, इन सब उपायों से आपको सहायता मिल सकती है। और आएंगे साथियों कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि के जो जातक होंगे उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, दाम्पत्य जीवन कुछ वैमनस्यता हो सकती है, स्त्री पुरुष अस्वस्थ हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, कार्यों में असफलता हो सकती है और यात्रा कष्टदायी हो सकती है। तो इसके लिए कुंभ राशि वालों क्या करना चाहिए साहब, इनकी भी 7:30 चल रही है। तो यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो आपको चाहिए कि शनि भगवान को कुछ खुश करने के उपाय करें। साथियों मैं तमाम पंडित आपको बताते हूँ, यह ग्रह खराब हो रहा तो आप नीलम पहन लीजिए, ये पहन लीजिए, वो पहन लीजिए। ग्रह जब खराब करता है तो उसको हम आराधना करके विनती करके उनको खुश करने कोशिश करते हैं कि आप हमारे पर कृपा करें। तो आप शनि की पूजा पाठ करें, यदि आप संभव हो तो आप जो है पीपल के जल में सुबह जो है कि आप अगर आप परेशानी ज़्यादा है तो आपको क्या चाहिए कि मट्ठा जो लस्सी होती है मट्ठा कच्चा मट्ठा लस्सी में आप काले तिल डाल करके और शनि भगवान को आप जो मंत्र में पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ के सुना जल चढ़ा सकते हैं। ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमस्ते नमस्ते बभ्रूपाय कृष्णाय च नमस्ते नमस्ते रुद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते शौर्य विभु नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चराय नमस्ते प्रसादम कुरु देवेशा दीनस्य परतस्य च। इन उपायों से भी आप शनि भगवान को खुश कर सकते हैं और इससे जब ज़्यादा परेशानी है तो वो पीपल के जड़ में इस लस्सी
काली तिल मिला करके शनि भगवान को चढ़ावें, उनको दीपक जल को चढ़ावें और शाम को दीपक जलावें, तो तमाम समस्याओं से आपको चुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, शनि कृपा प्राप्त होने लगेगी। अब साथियों, ये मीन राशि बड़े मजे आने वाला है, इनकी मीन राशि वालों के लिए सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे, यदि कोई मुकदमा चल रहा है, कोई परेशानी है, किसी झगड़ा चल रहा है तो स्वयं आपसे सरेंडर कर देगा प्रभु आकर के कि मेरे से सहायता, मुझसे समझौता कर लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। इस तरह से यदि आप पहले से को अस्वस्थ हैं तो स्वस्थता प्राप्त होने वाली है आपको, तो राज्य की राज्य से भी लाभ हो सकता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस से भी आपको इस लाभ मिल जाए। तो साथियों, इसमें सब कुछ अच्छा होने वाला है मीन राशि वालों का, और यदि चाहेंगे कि सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त हो, क्योंकि बृहस्पति की कृपा से आपको सूर्य की कृपा से तो प्राप्त ये सब आपको सुख मिलने वाले हैं। तो जैसे मैंने एक वीडियो पे अभी पहले बताया था कि सूर्य भगवान के 12 नाम आप चाहें तो होगा, फिर आप सुना देता हूँ मैं। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचि नमः, आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, सवित्ते नमः, भास्कराय नमो नमः। इन नामों से 12 नामों को सूर्य को देव को प्रणाम करेंगे तो आपके सुने में सुहागा हो जाएगा और चार चांद लग जाएंगे और आप सूर्य की भगवान की और विशेष कृपा प्राप्त होने लगेगी। तो साथियों, मैंने मेष से लेकर मीन तक के जातकों के लिए मैंने ये सूर्य की जो सिंह संक्रांति हो रही है, भाद्र पर संक्रांति हो रही है, उसमें क्या अच्छे बुरे फल मिलने वाले हैं और बुरे फल का क्या उपाय करना चाहिए, इस सब मैंने आपको बताया। आपको आप इन उपायों को, हमारे जो बताए गए उपायों को पसंद करते हैं, देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मेरा भी उत्साह वर्धन होता है, मैं नित नई नई आपको बातें बताता हूँ। आशा आपने हमारे वीडियो का आपने सुबह शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बार पुनः कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।